हाय बहू, हमें तो लगा था कि इतनी मीठी आवाज में भजन तुम गा रही थी, लेकिन हम भूल गए थे कि तुम तो सिर्फ कड़वी बातों के ही भजन गाती हो। हाँ अम्मा जी, सुबह सुबह ताना मारा, अब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। वैसे मैं आपके लिए ना एक खास भजन लर्न कर रही हूँ, जब याद हो जाएगा ना तो आपके कान में गाऊंगी। नहीं नहीं बहू, रहने ही दो। नहीं मतलब इसकी सुरीली आवाज़ तो हमें सीधे बनारस पहुंचा देती है, और तुम्हारी आवाज़ तो हमें हॉस्पिटल पहुंचा देगी। सो क्यूट हो अम्मा जी। अम्मा जी, अगर आप कहें तो हम हमेशा के लिए यहाँ रुक जाएं। हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं। वैसे बिंदु, मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, पता नहीं मैंने गुस्से में तुमसे क्या क्या कह दिया। देखो तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, इसे अपना घर ही समझो। नहीं, मेरा क्या हुआ? अरे मेरा मतलब है, बिंदु का परिवार है बनारस में, ससुराल वाले हैं, पति है, बेटी है, तू ये बनारस वापस जाएगी ना, यहाँ कैसे रुक सकती है? अरे देखिए ना प्रिया जी, ये कैसे हमें वापस बनारस भेजने पर तुले हैं। आपको पता है जब हम बनारस में थे ना तो ये हमसे हमेशा यही कहा करते थे, मेरी प्यारी बिंदु मर जाओ ना, थोड़ी देर रुक जाओ ना, हमको तो सब याद है। यही तो मुसीबत है। अम्मा जी मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। हाँ जाओ उठे जाओ। कीजिए ना। क्या आरती? लो लो लो। गंगा मैया, दिया बुझ गया, घोर अपशगुन, घोर अपशगुन। लल्ला, जब तक हम दिया नहीं जला लेते ना, अपनी जगह से ना हिलना। तनिक भी ना हिलना। हे गंगा मैया, ये क्या कर दिया, दिया कैसे बुझ गया? अरे जल्दी करो ना माँ। दिया क्यों नहीं जल रहा? लल्ला हम जलाने की कोशिश तो कर रहे। गंगा मैया, हमारे परिवार की रक्षा करना प्रभु। जल गया। ये भगवान, आई भला को टाल तू, आई भला को टाल तू, जंतु बना तू, आई भला को टाल तू। अम्मा, राजीव, ये रिमोट कहाँ रख दिया हमने? अरे तुम रिमोट को छोड़ो, इधर आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, बैठो। देखो आज कुछ भी करके हम बिंदु को वापस बनारस भेज देंगे, ये काम तुम्हें करना है। राजीव, मैंने तुम्हें सॉरी कहा, बिंदु को सॉरी कहा, अब क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो? अरे मैंने माफ कर दिया, तुम समझ नहीं रही हो, मैंने तुम्हें रात को भी बताया था, देखो उसकी मुझ पर नजर है, अंधी वाली नजर। हो गया तुम्हारा, आखिर तुम हो ना अपनी अम्मा के लल्ला, वो शादी से लेके आज तक मुझे रोज ताने सुनाती हैं, अब तुम ये बात लेकर अगले 4 साल तक मुझे ताने देना। अरे हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तुम्हें पता है बाहर उसने मेरे साथ क्या किया? वो थाली के नीचे से मेरा हाथ पकड़ लिया उसने। क्या? हाँ। उसकी इतनी हिम्मत? वही तो। क्या? हंस क्यों रही हो? तुम चाहते हो ना कि मैं ऐसे ही बाहर जाकर बिंदु को डांटूं? हाँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो मुझे चिढ़ाना चाहती हो, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं तुम्हारी किसी भी बात से नहीं चिढ़ूंगी, बिकॉज आई ट्रस्ट यू एंड आई लव यू। प्रिया सुनो, मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ, यार तुम मेरी बात क्यों नहीं देवी, तुम समझने, आई लव यू टू, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, तुम ही रहोगी, आई लव यू सो मच। तुम हिंदी में क्यों बोल रहे हो? मुझे तो अंग्रेजी समझ में आती है। लेकिन हमें अंग्रेजी नहीं आती है ना प्रिया जी, इसीलिए। ओह वैसे अच्छा हुआ आपने बता दिया। हाँ आप दोनों की जोड़ी को देखकर ना मन कहता है कि बस इसी तरह से आपकी ये जोड़ी बनी रहे, सच्ची। वैसे सुनिए ना, एक बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, प्रिया जी तो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मन कहता है कि सबकी शादी बस इनके साथ हो जाए। हाँ? हाँ?
हमारा मतलब था कि आप जैसी बीवी ना सबको मिले। अच्छा। हे भगवान, अब देखिए ना, बातों बातों में तो हम भूल ही गए। ये लीजिए ना प्रिया जी, देखिए देखिए। ओह थैंक यू। देखो ना कितनी सुंदर साड़ी है। साड़ी देखकर इसकी सारी दुनिया लूटने आई है, ये नहीं बता रही। अरे प्रिया जी, आप खड़ी क्यों हैं? जाइए ना, इस साड़ी को पहनकर हमें दिखाइए। जाइए जाइए जाइए। क्या हुआ, चिल्लाए क्यों? अरे खुशी से। वो क्या है ना कि आज हमने रसोई घर में इनकी मन पसंद की बनारसी पूरी और बनारसी भाजी बनाई है। इनको बहुत पसंद है ना, हमको तो सब याद है। यही तो मुसीबत। नहीं है, नहीं है। तो नाश्ता करने आ जाइएगा। हाँ राजीव, ऐसा नहीं लगता कि बिंदु हमारे घर में मेहमान नहीं बल्कि घर वाली ही है। अब इसे क्या बोलूं? अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो ये बात सच हो जाएगी, ये बन जाएगी बाहर वाली और वो बन जाएगी घर वाली। अब बोलो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सर वो बिंदिया। वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो तन्वी है जो स्पीकर फोन में बात करती है। बिंदिया वो मैं बोल रहा था कि माया और सास है ना जो तुम्हारी, उनको तुम प्रॉब्लम लगती हो। अच्छा ओके। वो प्रॉब्लम की बात कर रहा था मैं तन्वी से। सर बिंदिया मैम सीढ़ियों से गिरने के लिए मना कर रही है। हाँ तो छत से गिरा दो। नहीं पर सर सीन में तो हमें सीढ़ियों से गिराना है ना, और बिंदिया मैम बोल रही है कि ये वाला शॉट वो नहीं देंगी। अरे बिंदिया क्यों नहीं दोगी शॉट, तुम तो इतनी गिरी हुई हो। क्या? मेरा मतलब है इतनी बार गिरी हुई हो, याद नहीं है पुराने एपिसोड्स में? सर शायद आपको याद नहीं है कि पिछली बार क्या हुआ था। पिछली बार जब मैं सीढ़ियों से गिरी थी तो मेरा टोनेल टूट गया था। कैसे भूल सकता हूँ मैं, फिर तुम्हारा मूड खराब हो गया था, फिर मैंने तुम्हें एक 5 स्टार्स के डिनर वाउचर्स दिए थे, याद है कि नहीं, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए। हाँ एनीवे वो सब तो ठीक है सर, लेकिन मैं सीढ़ियों से नहीं गिरूंगी। तन्वी मैम चलिए, कुशल सर बुला रहे हैं। अब कुशल को मुझसे क्या काम है? होगी कोई प्रॉब्लम? अरे मिल गया बलि का बकरा, मेरा मतलब है कुशल, कुशल को गिराओ सीढ़ियों से और बिंदिया कुशल को बचाएगी, वो उसकी परीक्षा होगी समझे। अब कुशल गिरेगा और बिंदिया बचाएगी। ओके राजीव सर यू आर सो ब्रिलियंट, पकड़ो प्लीज। अरे वाओ सर कमाल हो गया, आप हर बार इतने अच्छे आइडियाज कहां से लाते हो? सब्जी मंडी से, कभी तुम भी ले आया करो। अब रखो फोन। या कहां से लाते हो? या मेरा खुद का आइडिया बना हुआ है? जल्दी आ जाइए राजीव जी, नाश्ता ठंडा हो रहा है। बेबी चले। बस बस। अरे इतनी गर्म है। प्रिया। अरे क्या हुआ, इतने प्यार से फूंक मार रही है। हो गया। बिंदु अंडी मेरा भी मुझे गया। अरे शैतान। अब ठीक हो गया ना? अरे अब क्या हुआ? हिचकी। अरे बहु पानी दो, पानी लल्ला पानी पी। हाँ पानी पी, जल्दी पी। राजीव ये तुम लेफ्ट हैंड से पानी क्यों पी रहे हो? तुम लेफ्टी कब से बन गए? वाह बहू वाह, अब क्या हमारा लल्ला शादी के बाद अपनी मर्जी से पानी भी नहीं पी सकता लेफ्ट हैंड से? अरे अम्मा जी वो हमेशा राइट हैंड से पीते हैं ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। अरे तो लेफ्ट हैंड से जल पी लिया तो क्या वो जल जीरा बन जाएगा? हिचकी जरा ज्यादा ही जोर मार रही है बेटा, जरा हाथ इधर देना, मैं ऐसे पॉइंट पर दबा दूंगा ना हिचकी फुर हो जाएगी। अरे ये वाला नहीं, वो राइट वाला दे। राइट हैंड दो। अरे देना राइट हैंड, क्या कमरे के अंदर छोड़ा आया? थैंक गॉड, थैंक गॉड इसकी रुक गई बिना पॉइंट दबाए।
पॉइंट दब गया। हमने तो नहीं दबाया, किसने दबाया? और लीजिए ना जलेबी। नहीं नहीं नहीं, और बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा है? मेरा मतलब है, मैं भी खाना बहुत खा लिया ना, पेट भर गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरा हो गया, मैं सेट पे जा रहा हूँ, बाय। सुनिए ना, हम भी चले आपके साथ, आपकी शूटिंग देखने आपके सेट पर। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे लल्ला ले जाना। क्या करेगी सेट पे, बेचारी बोर हो जाएगी ना। आए तो प्रिया बहू को साथ में ले जा। अरे इसी बहाने बिंदिया बहू से दो चार अच्छे संस्कार सीख लेगी ये। हाँ प्रिया, चलो ना तुम भी साथ, प्लीज। नो, नेवर। अरे मैं। अरे बहू, क्यों नहीं जाओगी तुम? जाओ। अम्मा जी, आपके लिए वो भजन सीखना है ना, मैंने, मैं नहीं जा सकती। नहीं, मैं इसके साथ अकेले नहीं जाऊंगा, वरना हाथ पकड़ लेगी। क्या? वो मेरा मतलब है, हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी, बोर हो जाएगी सेट पे, क्या फायदा। बाबूजी आप चलिए साथ, आपको लेके चलता हूँ। क्या बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना, हमें सेट पर ले जाने की बात कर रहा है? वैसे तो हमेशा मना करता है। ये बाबूजी जब जब सेट पे आते हैं मेरा बैंड बजाते हैं, लेकिन आज फिर भी मैं बाबूजी को लेके ही जाऊंगा, ताकि ये बिंदु मेरा बैंड ना बजा सके। हाँ हाँ, सामने से ऑफर कर रहा हूँ, चलिए साथ चलेंगे। वैसे तुम और बिंदु ही चले जाओ ना, जैसे बनारस में जाते थे साथ साथ। बाबूजी आप महान हैं। वो तो हम है, बल्कि मैं तो कहूंगा। अरे छोड़िए, चलिए ना, चलिए। अच्छा, तो अम्मा जी हम जाएं क्या? हाँ जा, जा, जा। खुश रहो, खुश रहो। लल्ला का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ, और मैं अम्मा जी का ख्याल रखूंगी। अरे वाह, ये शहर तो बहुत ही सुंदर है सच्ची। अरे वो देखिए नारियल वाला। सुनिए ना, हमारा ना नारियल पानी पीने का बहुत मन हो रहा है। हाँ अभी समय नहीं है, सेट पे पी लेंगे। समय समय की बात है, एक वो समय था जब तू बिंदु के लिए समय को रोक देता था, और आज गाड़ी भी नहीं रोक पा रहा है। जबकि वो तेरे लिए तेरी पसंद का बनारसी पान लेके आई, पंडित जी की अंगूठी लेके आए। बाबू जी आप महान हैं। वो तो हम हैं ही। गाड़ी रोक, अभी रोक देता हूँ। हमारे लिए भी एक ले आना। अच्छा जी, भैया दो नारियल पानी देना। हाँ जी। अरे वाह, अरे तुम क्यों आ गई? ये लीजिए भाई साहब। आप लीजिए ना। ये लीजिए भाभी जी। ओ भैया, मैं भाई साहब हूँ, लेकिन ये भाभी जी नहीं है। अरे साहब, थोड़े दिन में हो जाएंगी ना। अरे भैया बिल्कुल ठीक बोले हैं। हाँ देखो बिंदु, तुम ना भाभी थी, ना होगी, और ना कभी कभी नहीं होगी। तो ठीक है, आप ही हमें बता दीजिए ना, हम आपके हैं कौन? हम सिर्फ दोस्त हैं, दोस्त। अरे भाई साहब, एक लड़का और लड़की कभी आपस में दोस्त नहीं होते। सही बोले हैं भैया। हाँ। वाह क्या बात कही, इसे भी ले ले अपनी सीरियल में। आप नारियल पानी पीजिए, बाकी पैसे। बढ़िया, जल्दी करो, देर हो रही है। चलो चलो बेटा। ये हमारा सेट है। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते नमस्ते। एक मिनट एक मिनट। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जो सीन था ना अपना, पांचवा नंबर। बिंदिया मैम, आपको ही ढूंढ रहा था, आपका शॉट रेडी, आइए ना। अरे बिंदिया तो यहाँ है, सेट पे दूसरी बिंदिया कहाँ से आ गई? स्टूपिड। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, हम ना आपके सबसे बड़े फैन हैं, सच्ची। वो क्या है कि हम आपका सीरियल नहीं देखे ना, तो हमारे दिल को चैन नहीं पड़ता है। हाँ। कहीं राजीव सर सच में बिंदिया को बदल तो नहीं रहे? राजीव सर, खुशी? अरे शी नहीं, हमारा नाम है बिंदु। बिंदु? हाँ ये बिंदु है। अरे प्रोड्यूसर साहब, अगर बिंदिया बदली गई तो बिंदु बन जाएगी। वाह सर वाह, क्या बात है सर, सुपर। इस बिंदु के साथ तो मेरे एक्सप्रेशंस और भी अच्छे निकलेंगे।
अरे ये बिंदिया नहीं है, ये बिंदु ही है। ये राजीव की पुरानी फ्रेंड है। बाबूजी आप महान है। वो तो हम है ही, बल्कि मैं तो कहूंगा छोड़िए। अरे सर, नाम भी सेम टू सेम है और लुक भी सेम टू सेम है। हाँ वो हाँ सर, हाँ सुपर, क्या आइडिया है सर। सर कब से शूट? ओह शट अप। अरे तुम्हें तो मैंने बुलाया भी नहीं, फिर क्यों आ गए? सर एक्चुअली जब आप फंसते हैं तो मुझे बुलाते हैं। इस बार मैं खुद फंस गया हूँ सर, इसलिए मैं बिन बुलाया आ गया। क्या हुआ? बात यह है सर कि हमने बिंदिया की जगह कुशल को सीढ़ियों से गिरा दिया है और वो कोमा में चला गया है। हाँ। तो यही पूछना था सर कि कुशल को कोमा से उठाना कैसे है। सोचिए सर। ये सोचने के पैसे मैं तुम्हें देता हूँ, तुम सोचो। दिमाग काम नहीं कर रहा है ना सर, इसलिए तो मुझे यहाँ आना पड़ा। आप लोग भी सोचो ना, शायद उठाने का कोई आइडिया मिल जाए। सुनिए ना भैया, हम बताएं क्या? हाँ बताइए। नहीं नहीं, अरे हम बताते हैं। हाँ तुम क्या बताओगी, मैं सोच रहा हूँ। अरे हम बताते हैं, तो भैया वो जो कुशल है ना, उनको भगवान उठाएंगे दुनिया से। यस। अरे नहीं नहीं, कोमा से। ओ हम अभी करके बताते हैं। हाँ हे भगवान, जब तक कुशल कोमा से बाहर नहीं आ जाता, हम ये जलता हुआ दिया अपनी हथेली पर ही रखेंगे। लिखो। आज ये परीक्षा है हमारे प्रेम की, विश्वास की। ये भी लिखो। विद्या जी, चलिए सीन शूट करते हैं। सॉरी, मैं ये सीन शूट नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि ये तो बिंदु ने कर लिया ना, और अगर मैं यही करूंगी तो सबको लगेगा कि मैं कॉपीकैट हूं, जो मैं नहीं हूं। बिंदिया तुम एक काम करो, बिंदु ने अपने लेफ्ट हाथ में वो जलता हुआ दिया रखा ना, तुम उसको राइट पे रखना, तो ये बॉडी लैंग्वेज भी अलग हो जाएगी, सब कुछ ओरिजिनल हो जाएगा। लाइन ये बोल देना बस। That would be original. ठीक है ना? सीन लिखो, राइट हैंड। मैं रिहर्स करके आती हूँ सर। वेरी गुड। अरे क्या हो गया ये? वो स्पॉट को बोलना चाहिए, जनरेटर चेक करेगा शायद वहां से। क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो, यूनिट वाले यहाँ पे। ऐसे कैसे छोड़ दे? आपका ये हाथ तो हम सात जन्मों तक पकड़ने वाले हैं। प्लीज बिंदु, या मैं प्रोड्यूसर हूँ, यहाँ पे लोग देख रहे हैं। और सुन लीजिए, हाँ हम आपको अपनाए बिना मुंबई से वापस नहीं जाएंगे। तुम मर। बाबूजी ने सब सुन लिया और हमने आपको चुन लिया। यही तो बाबूजी ने सुन लिया। अरे आप घबरा क्यों रहे हैं? आज नहीं तो कल सबको तो पता चल ही जाएगा ना। बाबूजी एक मिनट, मैं आपको सब साफ साफ बताता हूँ, सब सच सच। मेरी तरफ से कुछ नहीं है, इसकी तरफ से सब कुछ है। जब से आई है बनारस के बारे में बात करे जा रही है और बनारस के बारे में बोले जा रही है और मेरे को वहां लेके जाना चाहती है और साथ में ढंग से गाना भी नहीं सुनने देते। आप गाना सुन रहे थे? हाँ, और कितने डिस्टर्ब कर रहे थे। कितना मजा आ रहा था मुझे, इतना अच्छा है। लल्ला तू ऐसा कर, ये मुझे बिना तार वाला हेडफोन कहीं से दिलवा दे। इतना ये तू तेरी अम्मा के ताने के बजाय ये मैं इससे गाने सुनूंगा बढ़िया। मतलब आपने कुछ सुना नहीं? इसने कहा मैंने कुछ नहीं सुना, सुन रहा था गाने, तू डिस्टर्ब कर रहा था बार 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 बार। बेटा ये मुझे दिलवा दे, ये कुशल के हैं। हाँ हाँ, मुझसे पूछ के ये मुझे चाहिए। हाँ हाँ ला दूंगा आपके लिए, आपको भी जरूरत है कि आप गाने ही सुनो सिर्फ। हमें ऐसा क्यों लग रहा है, तू कुछ कहना चाह रहा था? अरे बाबूजी ये नहीं, हम आपको कुछ बताना चाहते। हाँ नहीं, ये कह रही थी कि उसको बहुत मजा आ रहा है सेट देखने में, है ना?
हाँ तो फिर मजे ले लो, शूटिंग के मजे ले लो, सेट के मजे ले लो, मैं ये गाने के मजे लेता हूँ। आओ ना बिंदु, तुम्हें दिखाता हूँ। आओ, क्या कर रही हो बिंदु, ये सेट है। अरे अपने बाबूजी को हम दोनों के बारे में क्यों नहीं बताया? देखो बिंदु, पहले तो हम दोनों जैसी कोई चीज नहीं है, और दूसरा मेरे बाबूजी हैं, उनको अगर मैं एक बात बताऊंगा ना तो घर जाके दो दुनी चार नहीं, चार दुनी आठ करके बताते हैं। अरे इसमें बुराई क्या है, हम दोनों भी तो आठ दुनी सोलह होने वाले हैं। हाँ, हमको तो सब याद है। देखो बिंदु, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मुझे भी याद है कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरी एक बीवी जिसका नाम प्रिया है, एक बच्चा है जिसका नाम गप्पू है, ठीक है, और तुम मेरी एक बहुत सुंदर याद हो, बस याद बन के ही रहो। सुनिए जी, हम आपको यहाँ अपना बनाने आए हैं और बनाकर ही जाएंगे। हाँ, अरे मगर क्यों, तुम्हारा एक पति भी तो है। अरे हमारा पति तो वनस्पति है। हाँ, वो क्या है ना कि बस 24 घंटे काम काम काम, दुकान से घर, घर से दुकान, और जब घर वापस आते हैं ना तो बीवी को नहीं टीवी को देखकर सो जाते हैं। हाँ, अरे थक जाता होगा बेचारा, और क्या, थक जाता है। और हमारा क्या, हमारी तो आपको कोई परवाह नहीं। आप देखिए ना, आप कितने अच्छे हैं, आप काम भी करते हैं और प्रिया जी को समय भी देते हैं, उन्हें कुछ भी खाने से, पहनने से, करने से कुछ नहीं रोकते हैं। लेकिन हमारा पति तो हमें संस्कारी शिमला मिर्च बना के रखता है। हाँ अच्छा चलो, पति माना तुम्हारा वनस्पति है, लेकिन तुम्हारी प्यारी सी बेटी है बबली, उसके बारे में सोचो। अरे उसके बारे में हमने आपको कहा ना, वो क्या है ना कि हम बबली को भी यही ले आएंगे ना मुंबई में, और आप भी कप्पू की तरह हमारी बबली का ख्याल रखेंगे, है ना। देखो बिंदु, मेरी बात सुनो, बस लौटा दीजिए। अरे मैंने लिया क्या है तुमसे जो लौटा दूं? हमारे दिन, हमारे पल जो हमने आपके साथ बनारस में बिताए, बस हमें लौटा दीजिए। देखो बिंदु, तुम अगर बनारस की नाव यहाँ समंदर की लहरों पे चलाओगी ना तो डूब जाओगी। अरे यही तो गलती हुई है ना, वो क्या है ना कि 10 साल पहले बनारस से मुंबई आने के चक्कर में हमने आपसे शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन अब हम आपसे शादी करना चाहते हैं। हाँ वो क्या है ना कि अगर 10 साल पहले हम आ जाते तो नाव नहीं, मुंबई में जहाज होता, जहाज। हाँ डूबोगी तुम, मुझे भी डूबोगी साथ में लग रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, आपको डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं। हाँ थैंक गॉड, मतलब आ रहा हूँ, बोलो उनको बचा लिया डूबने से, मैं आता हूँ। सुनिए, जाना है तो जाइए, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके दिल में ना अभी भी बिंदु बिंदु है। हाँ आपका दिल भी हमारे लिए धड़कता है, लेकिन क्या है ना कि आप प्रिया जी से डरते हैं, लेकिन हम भी गंगा घाट के रहने वाले हैं। हाँ हम भी आपके दिल से ना प्रिया जी का डर और अपने लिए प्यार बाहर निकाल कर ही रहेंगे। हाँ सच्ची। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.